हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बारे में, जहां पर अभी आपको बताएंगे कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और क्या अब की बार बीजेपी का जलवा होगा या फिर हाथ कामयाब हो पाएगा। तो अभी हम आपको संपूर्ण जानकारी झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की देंगे और महा एग्जिट पोल देंगे सटीक सर्वे के अनुसार। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा का पूरा ध्यान क्लास तक देखते रहिए ताकि आपको ये जानने को मिले कि झारखंड में अब की बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सा दल बाजी मारेगा। तो वीडियो पूरा का पूरा ध्यान क्लास तक देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी से गुजारिश रहेगी कि यदि आप कोई भी जानकारी आगे भी झारखंड चुनाव 2019 की प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को कर लीजिएगा जरूर जरूर सब्सक्राइब और पास में आर के घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा अवश्य ही, ताकि आपको आगे भी हर एक जानकारी झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिले। तो चलिए अभी हम बात करते हैं झारखंड चुनाव 2019 के बारे में। तो झारखंड में अब की बार किसकी सरकार बनेगी और किसको जनता अपना अमूल्य मत भी देगी, ये अभी आपको बता देते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के तहत। और एग्जिट पोल के मुताबिक जिसके अनुसार ये बात आ रही है कि मोदी लहर डंके की चोट से जीतने वाली है और मोदी लहर एक बार फिर से प्रचंड रूप से खिलने वाली है। यहाँ पर जो है झारखंड के रण में ये बड़ी बात कही जा रही है एग्जिट पोल के द्वारा। और इसी के साथ एग्जिट पोल अब की बार बीजेपी को 48 सीट दे रहा है और अनुमान यह चल रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगा और वहीं कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर लेगा और कांग्रेस को मात्र मात्र 5 सीट मिल पाएगी। यह बड़ा आंकड़ा एग्जिट पोल की तरफ से आ रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर। और वहीं इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा को अब की बार 16 सीटें मिल पाएगी झारखंड में, यह बड़ा आंकड़ा भी एग्जिट पोल की तरफ से आ रहा है। और वहीं जेएमएम के लिए आंकड़ा आ रहा है कि अब की बार जेएमएम को 5 सीटें मिलेगी और यहां पर आज सुको भी अब की बार मात्र और मात्र 2 सीटें मिल पाएगी। और इसके अलावा यहां पर आरजेडी के खाते में 1 सीट जाएगी और अन्य दलों के खाते में अब की बार 4 सीट चली जाएगी। ये बड़ा आंकड़ा यहां पर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने दे दिया। और इसी के साथ ही ओपिनियन सर्वे के मुताबिक अब की बार प्रचंड रूप से मोदी लहर आने वाली है और पूरी तरह से बीजेपी का कमल खिलने वाला है झारखंड में एक बार फिर से। ये बड़ा आंकड़ा झारखंड चुनाव 2019 को लेकर आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने बात कर ली झारखंड के चुनाव के सर्वे के बारे में और एग्जिट पोल के बारे में, जहां पर अभी आपको बता दिया है कि पार्टी के अनुसार किस दल को कितनी सीट मिल सकती है। और अभी हम बात करते हैं कि एनडीए और यूपीए को कुल मिलाकर कितनी सीट मिल सकती है। तो एनडीए को अब की बार 48 सीट मिल सकती है, ये बड़ा आंकड़ा दिया जा रहा है एग्जिट पोल के द्वारा। और यूपीए को मात्र और मात्र 22 सीट मिल सकती है, ये बड़ा आंकड़ा एग्जिट पोल कह रहा है। और इसके अलावा अन्य दलों को 11 सीट मिलाकर मिल सकती है, ये बड़ा आंकड़ा एग्जिट पोल की तरफ से झारखंड के लिए आ रहा है। इसी के साथ ही झारखंड में बाजी एनडीए की हो रही है। तो इस प्रकार से संपूर्ण एग्जिट पोल था जहां पर झारखंड में फिर से एनडीए का कमल खिल रहा है, यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है और बीजेपी को अमूल्य मत दिया जा रहा है जनता के द्वारा। तो इस प्रकार से संपूर्ण झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 का एग्जिट पोल था। तो यदि आपको यह संपूर्ण एग्जिट पोल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।